बुलबुल पांडे। अब इनकी हरकत की वजह से उस आदमी की हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि ये वीडियो भी उसी ने हमें भेजा है, और साथ साथ ये वार्निंग भी दी है कि अब वो हमें सबक सिखाएगा। क्या जरूरत थी आपको ऐसे इंसान के सामने हाथ जोड़ने की जिसके लिए ऐसे किसी जेस्चर की कोई वैल्यू ही नहीं, जो इंसान जज्बात की भाषा समझता ही नहीं। हमको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम गोल गोल घूम घूम कर वापस उसी मुद्दे पे काहे आ रहे हैं। हमको आपका तर्क ही समझ में नहीं आ रहा है। आपने कहा अहिंसा से काम लेना है, जज्बात से काम लेना है, प्यार से काम लेना है, तो हमने नहीं किया हिंसा का वार, हमने वही किया जो आप हमें करता हुआ देखना चाहती। अब जब हमने वो कर दिया है तो उसमें भी आपको आपत्ति हो रही है, क्या गलत किया हमने? करिश्मा सिंह, हर बात का एक सही वक्त होता है और हर इंसान को ट्रीट करने का अलग तरीका होता है। पत्थर पर बारिश करना और बुलबुल पांडे पर जज्बात दिखाना, ये दोनों ही व्यर्थ हैं, बेमानी हैं, और ये आप जानती हैं। तो हमने आज तक यही तो किया है, बेवजह हमने मच्छर भी नहीं मारा है मैडम सर। इसका मतलब आप ये बात मानती हैं कि आज तक हम जो भी करते आए हैं, जिस तरीके से करते आए हैं, वो तरीका सही था? क्यों, मतलब जैसी सुर होगी वैसा ही ताल होगा ना, मतलब उसमें कोई फर्क तो है नहीं? क्या फर्क है? फर्क है करिश्मा सिंह, बहुत बड़ा फर्क है। और फर्क ये है कि आप जोश में आकर अपनी हद भूल जाती हैं, बेलगाम हो जाती हैं, बखेड़ा खड़ा कर देती हैं। गुस्से को अगर सही समय पर, सही तरीके से, सही इंसान पर इस्तेमाल किया जाए ना, तो वो इंसान दुनिया जीत लेता है। हम आपसे 100 बार कह चुके हैं कि गुस्से पर अगर अकलमंदी का अंकुश ना लगाया जाए तो आज नहीं तो कल वो गुस्सा आपको ले डूबेगा। इतनी छोटी सी बात आपको समझ में क्यों नहीं आती है? आ तो गई समझ मैडम सर, वही तो करके आए हैं बुलबुल के साथ, अब क्या गलत कर दिए? जय मैडम सर। चीता चतुर्वेदी, कब्जा हो गया? अरे कहाँ मैडम सर, तब से यहाँ आशीष जी के घर के बाहर घात लगाए खड़े हैं हम लोग। सास बहू है कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहे, पता नहीं कौन सा धुनी जमाए बैठा है लोग अंदर। चीता चतुर्वेदी, किसी भी कीमत पर हमें आज के दिन ही किराएदारों से घर खाली कराना है, ताकि आशीष और उनका परिवार उस घर में वापस लौट सके। घर में घुसो, जबरदस्ती करो, जो करना है करो, लेकिन वो घर खाली होना चाहिए। जी जी मैडम सर, जय मैडम सर। ओके संतु जी, कुछ तो कीजिए, कुछ तो आइडिया चलाइए कि लोग घर से बाहर निकले। संतु जी, हाँ? आप तो आज सुबह में ही सिंघाड़ा खाई है ना, आपके दिमाग में आइडिया आ सकता है, प्लीज कुछ सोचिए संतु जी, प्लीज। मैं चाह रही हूं। ना 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 ना, सोचिए ना, सोचिए ना, सोच के चल बताती हूं। हमको मालूम था आप सोच लेंगे। क्या हुआ? कोई ना अम्मा, कोई चिल्ला रहा, आग लग गई, आग लग गई, आग तो कहीं नहीं दिख रही हमको। आग लग गई? हमारे घर में तो नहीं लगी ना। हाँ। तो चल ना, आजा भीतर आ। आग लग गई, आग लग गई। फेल हो गया प्लान। जी जी बहुत अच्छा। अरे जी, हम सब सूझ समझ गए भाई साहब। जी जी जी, जैसा आप कहें, जी जी वैसा ही होगा। जी अच्छा, प्रणाम मैडम। 1 घंटे के अंदर लड़के वाले यहाँ पहुंचने वाले हैं, मैंने उन्हें यहाँ का एड्रेस भी दे दिया है। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब होगा क्या। अगर उन्हें सब कुछ पता चल गया तब तो वो ये रिश्ता तोड़ ही देंगे। टूटता है तो टूट जाने दो ना पापा, वैसे हम लोगों के सर पे इतनी बड़ी मुसीबत आई हुई है और हम ऐसे यहाँ थाने में मुंह छुपाए फिर रहे। पापा आप एक काम करो, आप ना उन्हें फोन करिए और कह दीजिए कि हमें रिश्ता मंजूर नहीं है, और जब तक हमें हमारा घर नहीं मिल जाता मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। नहीं नहीं बेटी, ऐसा नहीं बोलते। अरे शायद ही फिर कभी ऐसा रिश्ता मिले, तुम समझ क्यों नहीं रही?
और वैसे भी शादी कौन सी आज हो रही है? एक बार ये रिश्ता पक्का हो गया तो हम फिर थोड़ा समय ले लेंगे बेटी। और तब भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो? ओके, एक मिनट रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप लोगों को आपका घर जरूर वापस मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए इस सिचुएशन को संभालते हैं। अब हम इस थाने को बना लेंगे आपका घर, एक बार ये रिश्ता पक्का हो जाए कि उसके बाद आपको आपका घर भी वापस मिल जाएगा। और हम तुमसे वादा करते हैं शादी की बची हुई सारी रस्में तुम्हारे अपने घर में होंगी। फिलहाल इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। पुष्पा जी। जी मैडम सर। वक्त बहुत कम है हमारे पास, हमें तुरंत ही इस थाने को इनके घर के हुलिये में तब्दील करना होगा। आप प्लीज इकबाल, बदनाम और बिल्लू की मदद लीजिए और ये काम शुरू करवाइए। ठीक है, आप बनेंगी बुआ, हम बनेंगी मासी। ओके? नहीं नहीं, हम मासी बनते ना, आप बुआ बनी। अच्छा ठीक है, हम बुआ आप मासी। छोटी मासी। हाँ छोटी मासी। छोटी से छोटी मासी। हाँ सबसे छोटी, अभी अभी पैदा हुई मासी। ओके चलेगा। करिश्मा सिंह जी, एक और प्रॉब्लम है। स्पेशल विभाग के एक ऑफिसर है मिस्टर कमल, वो यहाँ आने वाले हैं इंस्पेक्शन के लिए। उनके इंस्पेक्शन पर हमारे थाने को रेटिंग मिलेगी और रेटिंग से हमारे थाने का बजट डिसाइड होगा। इसलिए मिस्टर कमल का यहाँ आना बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो थाने के अंदर नहीं आने चाहिए। जी नहीं आएंगे। ओके, तो अब सेफ्टी के लिए प्लान बी सुनिए। ओके क्लियर? जी मैडम सर। चाहे कुछ भी हो जाए, उन लालची घुसपैठियों की वजह से इस मासूम लड़की का रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। बिल्कुल नहीं होगी। जय। लोग आ गए, आइए आइए अंदर आइए। आइए। आइए आइए आइए। आपका मकान तो बिल्कुल हवेली जैसा लग रहा है। हवेली जैसा क्या, हवेली तो है। हाँ, जी हवेली ही तो है। और वैसे घर तो रहने वालों से होता है, मकान तो जीव जंतु भी बना लेते हैं। बहुत बढ़िया बात कही आपने। क्या बात, क्या बात, क्या बात। आप काम कीजिए, तुम दोनों चुप बैठोगे। नमस्ते 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 नमस्ते। एम्बुलेंस चंपत, इस घर का नौकर। बताने की क्या जरूरत है, आप तो लगते ही हैं। चुप बैठोगे। इनसे मिलिए, ये है हमारी धर्म पत्नी पूजा। नमस्ते। पुलिस में है? अरे नहीं नहीं, ये वाली नहीं, ये जो इधर है। हम नहीं, ये खुश रहो। ये है लड़की की मासी। नहीं नहीं रहने दो। छोटी मासी, मतलब छोटी से छोटी मासी है ना, रहने दो। छोटी मौसी है। नमस्ते 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 नमस्ते। और ये लड़की की बड़ी बुआ है। हेलो हेलो। वैसे एक सवाल था, छोटा सा, छोटी मासी जितना ही। पूछिए। बुआ और मौसी दोनों पुलिस में? हाँ हाँ हाँ, अरे पूरा खानदान ही तो पुलिस में है, देखिए ना। वो क्या है कि आपकी फ्लाइट एक घंटा जल्दी आ गई ना, इसलिए ये सीधे ड्यूटी से घर आ गए। हाँ एकदम भागते भागते आ गए। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। इस बात पे कुछ लेके आऊं? अरे भाई ले आओ ना। हाँ ले आऊं। ए बगड़ भी लो, आ जाओ। जी क्या नंबर बताया आपने? 0101। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। मैम चाय पियोगे? नहीं अभी नहीं, बाद में। जीरो वन जीरो वन। जी आप वो स्पेशल विभाग से कमल सर है क्या? जी हाँ मैं कमल हूँ,
और आप करिश्मा जी? जी 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 हम बस आपके ही थाने जा रहा था। जी हमें पता आप थाने ही जा रहे थे, हमें मैडम सर ने बताया तो हमने सोचा क्यों ना आपका यहीं अभिनंदन कर ले। हमने सुना आप चाय के बहुत शौकीन हैं। ये झल्ली भैया बहुत कमाल की चाय बनाते हैं, मतलब एक बार पी लेंगे ना तो स्वाद नहीं भूल पाएंगे सच में। एक चाय पीने का आपके साथ? चलिए चलिए। मैडम सर आपका अंदाजा एकदम सही था, वो स्पेशल विभाग वाले ऑफिसर है ना, वो हमारे साथ ही बैठे हैं और आप मानेंगे नहीं वो डीएसपी सर जैसे चटोरे हैं। अटका के रखा है पर लग रहा है ज्यादा देर तक अटका नहीं पाएंगे, तो आप वहाँ का तमाशा जल्दी निपटाई। हाँ 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 थैंक यू। चाय तो बहुत बढ़िया थी आपकी। धन्यवाद सर। करिश्मा जी, जी चाय तो हो गई तो अब समोसे? नहीं 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 अब हम चलते हैं थाने चलते हैं। अरे थाना तो जाना ही है सर, पर एक बार थाने के बारे में थोड़ा विचार तो सुन लीजिए आप लोगों से। बैठिए ना बैठिए। झल्ली भाई थोड़ा सा बताइए थाने के बारे में कुछ। क्या बताएं सर, बहुत ही बढ़िया। कुछ लोग परेशान करने आते थे दुकान पर, महिला पुलिस थाने वालों ने एक दिन में मेरे कहने का मतलब एक घंटे में सुलझा दिया। एक घंटा में सुलझा दिया, बताइए। ये सब तो हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम चलते हैं आपके थाने। जीते यार कब तक ऐसे बैग लेके खड़े रहेंगे यहाँ पे? थाने संतू जी फोन आया। मैडम सर का बोले इनको? उठा तो सही। जैन मैडम, चीता चतुर्वेदी कब्जा हो गया? कुछ नहीं कब्जा हुआ कि नहीं। अब मैडम सर आसार तो नजर आ रहे हैं, बहुत बहुत जल्दी कब्जा हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ओके ओके गुड। ड्यूटी पुलिस वाले है ना तो हर वक्त ड्यूटी करनी पड़ती है। खाइए खाइए आप खाइए ना भाई साहब। एक और पुलिस वाली? अरे जी मैं कहा था ना कि सभी लोग तो पूरा खानदान तो पुलिस में ही है। ये छोटी बुआ ये भी पुलिस में है और ये बड़ी बुआ तो है ही। छोटी बुआ हाँ। और ये भाई साहब कौन है? ये फूफा जी है ना, फूफा जी हैं, इनके पति। चलो सर। हाँ हाँ सर जा ही रहे हैं, थाना ही जा रहे हैं, पर उससे पहले हम आपको थाना के बारे में एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं। क्या? बैठिए बैठिए। क्या हो गया ना सर, थाना जो है ना अभी आप जब जाएंगे तो आपको थाना जैसा नहीं लगेगा, वो आपको घर जैसा लगेगा, घर जैसा फील आएगा आपको। पूछे क्यों? क्यों? मैडम सर का जो है, हमारी मैडम सर, उनका एक नया प्रयास है, एक नया प्रयोग है, एक नई सोच है कि थाना को जो है वो रूपरेखा उसका थाना जैसा ना हो, एकदम घर जैसा हो, ताकि जब कोई आए हमारे पास अपनी समस्या लेके तो उनको एक घर वाला माहौल मिले और पुलिस भी जो है उसी घर के माहौल में उनका समस्या का जो है वो निपटारा कर दे। आप समझ रहे हैं? अभी जैसे हमारे थाने में केस आया पति पत्नी का, वो तलाक लेना चाह रहे हैं, तो मैडम सर ने सोचा क्यों ना उनका जो विवाहित जीवन की पुरानी यादें हैं वो दोहराई जाए। तो जब आप जाएंगे तो ऐसा कुछ माहौल होगा तो आप चौंकिएगा मत। मैं देखना चाहूंगा आपके इस नए प्रयोग को। अरे बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल देखिए आप, बस वहाँ पे अपना पहचान मत बता दीजिएगा। नहीं 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 हाँ, मतलब हो सकता है कि मामला थोड़ा बिगड़ जाए ना। नो। एक काम करते हैं ना, आपको लड़की का फूफा बना देते हैं। मैं? हाँ हाँ बिल्कुल आप। लेकिन आपने तो कहा था इनकी शादी नहीं हुई। तो भाई साहब लड़की को बुलाया जाए, ये दोनों देख ले एक दूसरे को। हाँ। मैं अभी लेके आती हूँ। हाँ। जी जी हमारी बिटिया भी आ गई। आ गई आ गई आ गई। ये हमारी बेटी आलिया, हमें तो लड़की बहुत पसंद है। बेटा अगर तुम चाहो तो आपस में मिलके बात कर सकते हो। हाँ हाँ स्टडी रूम भी दिखा दो और बात भी कर लो। जाओ हाँ हाँ पूरी हवेली दिखा दो। जाओ बेटा जाओ जी।
एक्सक्यूज मी, वॉशरूम? वॉशरूम यहीं पास में। एक्सक्यूज मी। अरे सर सर सर, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे आपका एक्सपेरिमेंट कैसे वर्क कर रहा है वो देखना तो पड़ेगा ना। हाँ लेकिन अरे मैडम सर, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं। हो क्या रहा है? ताका जाके चल रही है? अरे चल चल, ये देखिए देखिए ये क्या कर रहा था है? ये एक नंबर का छिछोरा है। पापा दे, क्या हुआ? तुम जिस रूम में बैठे थे ना, वहां ये ताका जाकी कर रहा था। अरे तेरी बीवी ने तो तुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ मार। अरे अरे एक्स चीजू, अरे एक्स चीजू कहाँ जा रहे हैं? सुनिए, छिछोरा था एक नंबर का। भाई साहब हमें माफ करिएगा, हमने उन्हें बुलाया था, माफ करिए। नहीं नहीं, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? वो इंसान गलत था, उस गलत इंसान की माफी आप क्यों मांगेंगे? खैर छोड़िए भाई साहब, जो हुआ उसे भूल जाइए। और अब बेटा तुम बताओ। भाई साहब हमें माफ करिएगा, हमने उन्हें बुलाया था, आप करिए। जो हुआ उसे भूल जाइए। और अब बेटा तुम बताओ। जी मुझे ये रिश्ता मंजूर। और बेटा तुम्हें लड़का पसंद है? मुझे भी पसंद। बधाई हो, बधाई हो भाई साहब। बधाई। अरे बस बस बेटा खुश रहो। बहन जी आप जल्दी से आइए हमारे घर पर हमारी बहू को लेकर। अब चलते हैं। जी 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 चले चलिए भाई साहब, आइए छोड़ देते हैं। आओ। फाइनली। ये बाप रे। जी आपने मेरी बच्ची का रिश्ता बचाने के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए शब्दों में धन्यवाद देना तो बहुत छोटी बात होगी, फिर भी दिल से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं प्लीज, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम सिर्फ हमारी ड्यूटी कर रहे थे। इनफैक्ट हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका घर जल्द से जल्द आपको वापस मिल जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब ये थाना जैसा था ना पहले, बिल्कुल वैसा ही हम कर देंगे। हाँ प्लीज प्लीज। चलो अब आओ हाथ बटाते। ए बागड़ बिल्लो। हाँ? चलो बैठे आराम से। पुष्पा जी तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, वो कमल जी जो है ये सब देखकर कोई अच्छी रिपोर्ट तो देंगे नहीं। खराब रिपोर्ट देंगे इसका मतलब रेपुटेशन भी खराब होगी, अगर रेपुटेशन खराब हो गई तो हमारा बजट और कट जाएगा। हम वैसे ही इतने कम बजट में ये थाना जैसे तैसे चला रहे, और पैसे कट गए तो क्या करेंगे हम? ये क्या धांधली है मैडम सर, जरा जरा सी बात पर हमेशा हमारे थाने के बजट में कटौती होती है। इतना तो थाने के पूरे महीने का बजट भी नहीं है जितना राजमा चावल आज तक हमने डीएसपी सर को खिलाया है। थोड़ा तो लिहाज रखना चाहिए ना उन्हें हमारा। अब रखना तो चाहिए पुष्पा जी, लेकिन शैतान का सर का नाम लिया और सर का फोन। हाँ हाँ हम बात करें, देखते हैं ना बात करके। अच्छा ठीक है ट्राई करिए। देखिए प्यार से प्यार से। जय हिंद सर। सर आपको तो पता है आजकल चावल कितने महंगे हो गए हैं, जो राजमा में पड़ते मसाले उन मसालों की कीमत तो मतलब आसमान छूने लगी है सर। मगर देखिए सोचिए, आज तक हमने जितनी बार भी राजमा चावल आपको खिलाया है कभी भी आपको स्वाद में जरा सी भी कमी महसूस हुई? नहीं ना। हाँ क्योंकि हम बहुत ही दिल से अब प्यार से आपके लिए राजमा चावल बनाते हैं, तो हम चाहते कि उतने ही प्यार से और दिल से आप हमारे और हमारे थाने के बारे में सोचिए ना सर। सोचा? अरे पुष्पा जी सोचा, इसीलिए हमने आपके थाने का बजट केवल 25% कम किया है, वरना इस बार तो हमने सोचा था कि आपके थाने का बजट पूरा का पूरा साफ कर दे।
अरे ऐसे होती है थाने की कार्यशैली, ऐसे चलता है थाना। अरे अच्छे खासे थाने को ड्रामा थिएटर बना के रखा है, नाक कटवा दी। चलिए फोन रखता हूँ। सुना भी नहीं उन्होंने। जिस चीज का डर था वही हुआ। चीता, एक मिनट। हाँ चीता बोलो। मैडम सर, जैसे वो सास बहू लोग घर से बाहर निकला ना, हम और संतोष जी भीतर घुसा है, पूरा घर पर कब्जा कर लिया, हम फूटा गाड़ के यहीं पर बैठ गए। वेरी गुड जॉब चीता चतुर्वेदी, तुम वहीं रुको, जब तक हम वहाँ पहुँचते नहीं तुम वहाँ से हिलोगे नहीं, ठीक है? मैडम सर आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, प्रलय आ जाए तूफान आ जाए, हम दोनों लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं है। जय मैडम सर। जय।